गाइस तो मैं अभी रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ अभी कोलकाता बाजार भाभी लोगों के साथ। भाभी एक बार गई भी, वो जाके शर्ट वगैरह बहुत कुछ खरीद के आई, फिर मैं सोची कि मैं भी जाऊँगी। फिर हम लोग फिर से अभी जा रहे हैं और यहाँ पे सामान ऐसे ही रखा हुआ है ताकि भैया आके देखे, उसके बाद सबको दिया जाएगा। देने के बाद क्या और सबको दिया जाएगा। और तो अभी हम लोग रेडी हो गए, मैं तो रेडी हो गई हूँ, भाभी ऊपर गई है, वो आने के बाद फिर हम लोग निकलते हैं। सो फॉर द टाइम स्टे ट्यून्ड। भाई सभी निकल गए, मतलब निकल चुके हैं, भाभी लोग निकल गए, मैं आगे निकल रही हूँ। एक एक करके छुप छुप के निकल रहे हैं ताकि परिशोना ना देखे। वो देखने से, देखो लाइट ऑफ, अंधेरा हो गया, परिशोना देखने से वो रोना स्टार्ट कर देगी, इसलिए क्योंकि बारिश भी दे रहा है तो उसको लेके नहीं जाएंगे। और मेरा बिंदी जो है टेढ़ा हो गया है। आए देखिए गाइस, वेदर बहुत ठंडा है और वहाँ का वेदर क्या ही बोले। और ये देखिए, ड्रेस लेके आई थी लेकिन हम लोगों किसी को पसंद नहीं आया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसको रिटर्न करने। बाद बाकी और भी शर्ट वगैरह ये सब लाया है, वो सब तो है ही, वो सब मैं बाद में आके दिखाऊंगी आप लोगों को। जल्दी आए गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर के सामने ही एकदम बगल में। सो चलो चलते हैं, आप लोगों को भी मैं शेयर करती हूँ कि कैसा है और प्राइसेस भी कैसे है, वो भी मैं शेयर करती हूँ। जैसे कि हम लोग उसका कुर्ती एक्सचेंज करने के लिए आए हैं, हम लोगों को वो अच्छा नहीं लगा तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले सेक्शन में आ गए हैं यहाँ पे कुर्तीज़ देखने के लिए। सो लेट्स गो, पहले कुर्तीज़ देख लेते हैं कौन सा पसंद आता है। तो उसने लिया था ये वाला, इसके साथ पैंट एक्स्ट्रा है, वो पता नहीं कहाँ है लेकिन डिज़ाइन सेम है। और पैंट का एक्स्ट्रा ना यहीं पे रखा हुआ था, सेम पैंट है लेकिन सेपरेट प्राइस है। ये देखिए डिज़ाइन भी सेम। कलर का मैच कर देना कल के सकाल ना। মানে নিয়ে গেছিল মাত্র, বাট আমাদের কারোর পছন্দ হয়নি বাড়িতে, তো এক্সচেঞ্জ করব ভেবেছি। এখানে তো সব কটন।
फिलहाल वो जा रही है ट्रायल रूम पे ट्राई करने के लिए कि कैसा लग रहा है। मतलब 3-4 ड्रेसेस वो लिए, हम लोग को येलो वाला ज़्यादा पसंद आया, लेट्स सी उसको कौन सा अच्छा लगता है। और हाँ गाइस, यहाँ के कपड़ों का क्वालिटी भी अच्छा है, बच्चों का कपड़ा बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ही। हाँ कुछ कुछ है जिसमें ज़्यादा फ्लेयर होने की वजह से वो थोड़ा चुभेगा छोटे छोटे बच्चों को, बाद बाकी वैसे बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं बोल सकूँगी। और ये देखिए, मुझे ये बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग लगा यहाँ का सेट, वो ब्लैक वाला, तो वाव, कोई छोटे से बच्चे को पहना दो, इतना क्यूट लगेगा। और एक है कलेक्शन नीचे में है येलो वाला, रुकिए मैं दिखाती हूँ, ये वाला है येलो वाला जो कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, प्रीटी है। गाइस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये मतलब बेबीज़ के ड्रेस लगे, इतना प्यारा है, इतना क्यूट है। और देखते हैं इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस ओनली 599 है, तो आपको 600 में इतना अच्छा मिल जाएगा। इसका क्वालिटी भी अच्छा है, मैंने जितना देखा सॉफ्ट है, लेकिन कुछ कुछ है जिसका फ्लेयर की वजह से थोड़ा चुभ जा सकेगा, तो आप लोग ये चीज़ नोटिस करके लीजिएगा। ऊपर वाला पोर्शन पूरा कॉटन का ही रहता है, लेकिन ये जो देखिए ये वाला चीज़ जो है ना, ये छोटा होने के कारण वो वाला थोड़ा मतलब पैर में लग सकता है बच्चों को, तो आप लोग ये चीज़ देख के लीजिएगा। बाद बाकी कॉटन ड्रेसेस जैसे कि ये सब बहुत अच्छे हैं, प्राइस भी अफोर्डेबल है, आप लोगों को मीन्स ब्रांडेड लुक मिल जाएगा। मुझे नहीं पता ये सब ब्रांडेड है कि नहीं है, बट लुक तो देखने में ब्रांडेड जैसा ही दिख रहा है, लेकिन क्वालिटी भी बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। तो आप लोग अगर यहाँ से ख़रीदोगे तो आप लोगों को मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, लो बजट में बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी मिल जाएंगे। और ये हम लोगों ने परिछोना के लिए लिया है ऑलरेडी, ये वाला बहुत प्यारा है, उसको पहना के भी देखे। और ये टॉप देखिए ना, वाव, और हमें ये भी बहुत पसंद आ रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं ये भी ले लेंगे परिछोना के लिए। वो वाला फ्रॉक जो है वो पहले ही वो लेके चली गई है भाभी घर पे, और सोच रही है ये भी लेगी, इसके साथ हम लोग स्कर्ट ढूँढेंगे अभी एक, तो देखते हैं स्कर्ट अगर मिल जाए तो हम लोग स्कर्ट के साथ वो ले लेंगे। और ये देखिए फ्रॉक्स, वाव, सो प्रीटी। और गाइस मतलब मेरी जो बड़ी ननद है वो सोच रही थी उसके बेटी के लिए लेगी, लेकिन ये थोड़ा मतलब ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने मना की, दूसरा और देखेंगे। और ये देखिए 149 में टीज मिल रहे हैं, कितने सॉफ्ट और कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट कलेक्शन है, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे मन करे काश मैं भी बच्ची होती तो मैं ले लेती। सो आगे देखिए बहुत सारे कलेक्शन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और ये कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है, मीन्स कोई पेड नहीं किया मुझे इसका मतलब ब्लॉग करने के लिए, मैं खुद अपने मन से कर रही हूँ, तो ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है, तो आप लोग देख सकते हो खुद आके। मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से ये बहुत अफोर्डेबल है, ये देखिए। हम लोग सोच रहे थे इसके साथ ये वाइट वाला अगर पैंट मतलब स्कर्ट मिल जाता, बट वो नहीं मिलेगा बिकॉज वो उसकी के साथ सेट है, इसीलिए। और हम लोग को दूसरा स्कर्ट नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहे हैं। और फिर हम लोग को फाइनली मिल गया ब्लैक कलर का एक स्कर्ट। देन हम लोग जा रहे हैं ऊपर वाले सेक्शन में, उसके ऊपर वाले सेक्शन में जो कि है थर्ड फ्लोर। तो ये देखिए, ये है जेंट्स का कलेक्शन, यहाँ पे बहुत औसम औसम कलेक्शन है। मुझे 30 से ज़्यादा शर्ट बहुत अच्छे लगे जेंट्स के, हाँ 30 भी अच्छे है, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है, बट स्टिल मुझे मतलब शर्ट एंड कुर्ताज बहुत ज़्यादा ही पसंद आए। और ये जो कुर्ती है ये देखिए बॉयज़ का, इसका मुझे पकड़ के बहुत औसम लगा, इसका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस ये देख के तो मैं फिदा हो गई, रीज़नेबल प्राइस है, एकदम रीज़नेबल प्राइस, और ऊपर से लुक आ रहा है एथनिक का, इतना प्यारा एथनिक लुक आ रहा है। ये देखिए प्राइस इसका लिखा भी हुआ है, नीचे वाला था 1190 और ऊपर वाला 889 था, मीन्स जो कोट है उसका 1199 था। और भी बहुत सारे कलेक्शन है, जैसे कि नीचे में एक है ये थोड़ा ग्रेइश ब्लू टाइप का है, और साथ में वो वाइट वाला कुर्ता है, ये एजेड इंसान को पहनने से बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लगेगा। और अगर कोई मीन्स जैसे कि यंग लड़का पहनना चाहे तो
इसके वाइट के साथ, वो ब्लैक वाला और एक है इस साइड पे, ये देखिए ऐसा ब्लैक में पहनने से ज़्यादा अच्छा लगेगा। और भी कलेक्शन है, आप नीचे देख सकते हो। अगर आप लोगों को एथनिक वेयर पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली पूजा में तो सबको ही पहनते ही है, एंड इवन की शादी वगैरह में भी पहनते हैं, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर देखिए शर्ट के कलेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा प्रीटी लगे एंड ऑसम लगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और इसका जो बटन है ये बहुत ऑसम, एकदम सॉफ्ट टाइप का है। मेरे हस्बैंड का भी एक शर्ट था, वो मीन्स टिक टॉक टाइप का था, वैसा ओपन करने वाला नहीं, उसका बटन भी सेम था, लेकिन वो ब्रांडेड था। ये ये ब्रांडेड है कि नॉन ब्रांडेड है मुझे नहीं पता, लेकिन क्वालिटी उसका सेम ही आ रहा है। और ये वाला सेम शर्ट भैया के लिए हम लोगों ने लिए है, वो ऑलरेडी पहले ही भाभी आके लेके गई थी। और यहाँ का शर्ट का कलेक्शन, ओ माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का एक शर्ट मैंने खुद दुबई में देखा था, परसों ही देखा था। और ये देखिए पीछे के टी शर्ट विथ प्रिंटेड, जो कि मेरे हस्बैंड का, मीन्स मेरे हस्बैंड ज़्यादातर ऐसे ही पहनते हैं, उनको अच्छा लगता है ऐसा पहनना, ये उनका स्टाइल में जाता है। और इसका क्वालिटी भी अच्छा है, देखिए मैं पकड़ के आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो ओवरऑल आप लोग यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, इट्स टू अफोर्डेबल, मैं बार बार बोल रही हूँ इट्स टू अफोर्डेबल, प्राइस बहुत कम है। पूजा के लिए तो एकदम ऑसम कलेक्शंस है। और इस बार मैं कैसे, हर कोई सोच रहा होगा ये खुल, मीन्स ये जो मतलब बाज़ार कोलकाता जो खुला है, इसके वजह से बहुत सारे दुकान को प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज यहाँ के कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो लोग ऑब्वियसली यहीं से बाय करेंगे। प्राइजेस भी जो उस रेंज के अंदर आ जा रहे हैं ऑब्वियसली। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हाउस होल्ड, मीन्स हाउस होल्ड के भी सामान है, जैसे कि बर्तन वगैरह है। और यहाँ पे देखिए परफ्यूम्स भी है बहुत सारे, और वो शायद बॉडी जेल है, ये देखिए बाय वन गेट वन है शायद ये वाला। और फिर मैं क्या बोलूँ, जीन्स के कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है। और एकदम नीचे में यहाँ पे बेडशीट भी है, ये देखिए 399 में बेडशीट, लेकिन बेडशीट कॉटन में नहीं आएगा, मैं बता देती हूँ, वो एक बिल्कुल कॉटन में नहीं है, वो थोड़ा पॉली कॉटन या फिर पॉलिस्टर बोलते हैं ना, वैसा टाइप का है। और ये है गर्ल्स के कलेक्शन, गर्ल्स का जीन्स मुझे बहुत अच्छा लगा। प्राइस के नतीजे बोलने जाओ तो, कपड़ा क्वालिटी को देखने जाओ तो ठीक ही है, उतना भी हाई रेंज नहीं है। आप लोगों को दुकान में 800-900 में मिल जाता है, और थोड़ा मिला के यहाँ से ले लो, क्वालिटी भी अच्छा मिल जाएगा। और प्लस ये टॉप्स देखिए ग्लिटरी टाइप, जिन लोगों को मीन्स क्या बोलूँ मैं, क्रॉप टॉप पहनने का बहुत शौक है, वो लोग श्योर यहाँ पे आके विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे वैरायटीज़ बहुत सारे हैं। सो गाइस, और एक सेम डिज़ाइन का ही है, ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा कलेक्शन है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं आप लोगों को ओवरव्यू दिखा देती हूँ और एक बार। यहाँ पे नाइट वेयर्स के भी कलेक्शन है, ये देखिए, जिसे नाइटी भी कहते हैं इन कॉमन लैंग्वेज। ये कॉटन का नहीं था, ये थोड़ा मतलब वो रहता है ना स्लिपरी स्लिपरी टाइप, वैसा टाइप का था, ये भी वैसा ही था, बट ये ग्रीन वाला कॉटन में था। फिर और भी था, ये भी देखिए कैसा पतला पतला है, और ये पहनने से ना मतलब पसीने से उसमें एक अलग सा कैसा स्मेल आता है, जो कि बहुत गंदा होता है। ये भी थोड़ा सॉफ्ट में है, अच्छा था ये, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वैरायटीज है। लेकिन फिर अंडरगारमेंट्स भी है, अंडरगारमेंट्स के भी बहुत सारे कलेक्शंस है। और यहाँ पे देखिए पैजामा भी है।
500 बिलिंग के लिए ये खड़ी हुई है, अभी तक बिलिंग हुआ नहीं है। मोर प्रोबेबली यहाँ पे बहुत लोग विजिट किए, पहला दिन था तो बहुत लोग आए हैं। और बाद बाकी मैंने तो बताया ही, यहाँ के कलेक्शन मुझे अच्छे लगे। हाँ, कुर्तीज़ में वेराइटीज़ बहुत कम है, कॉटन में वेराइटीज़ ज़्यादा है, बट पार्टी वेयर में अभी तक लगाया नहीं। वो लोग बोल रहे कि कल भी लगाएंगे, कल भी दूसरे नए नए प्रोडक्ट गोडाउन से निकाल के लगाएंगे, क्योंकि एक बार में तो इतना सारा लगाना पॉसिबल नहीं है। आज सेल होगा तभी ना लगा पाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, सामान लेना हो गया। यहाँ पे लॉटरी सिस्टम कुछ है, बिल दिखाने के बाद वो लोग टिकट देंगे, उसको लेके नाम वाम लिख के फिर उधर पे एक लॉटरी बॉक्स का वो है, उसमें डालना होता है। वहाँ पे जाके देख, मीन्स वहाँ पे तीन प्राइजेस है, एक है बाइक और एक है फ्रिज और एक है वॉशिंग मशीन। मीन्स अभी लकी हुए तो ज़रूर मिलेगा और लकी नहीं हुए तो नहीं मिलेगा। सो गाइस, शॉपिंग तो हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं घर, जो कि एकदम सामने है हमारे। हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस में ही हमारा घर है, तो हम लोग चल के अभी जा रहे हैं घर। देखो, इसे कहते हैं नसीब। और ये देखो, रास्ता पूरा खाली है और इधर पूरा अंधेरा। लाइन जे दादा दादा हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो गया, सब लोग अभी सामान, भैया आए हुए थे तो वो सामान देखा। तो अभी इसको खोलने का, मतलब हम लोगों ने कभी खरीदा नहीं था तो फर्स्ट टाइम खरीदा, तो वही कैसे खोलते हैं क्या करते हैं सब देख रहे हैं और खोल रहे हैं। रुकिए, আমি শরীর দিকে পর শরীরে মহিলা পড়বো, বিছনাই পড়বো, মা চিল্লাবো কিন্তু এক চট হিলাও হিলা না। লোক আসে মনে হচ্ছে ওদিকে। এটারে মনে হয় এরকম টাইনা দেন নাকি কিছু। हम लोग इस बॉटल को लेके बहुत स्ट्रगल किए, ये ओपन नहीं हो रहा था, हमें पता भी नहीं, फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई कर रहे थे। तो जिसको जो, मतलब माथे में जो आ रहा था, जैसा आ रहा था वैसा करके कर रहे थे, पता नहीं अचानक से पटाख से खुल गया। हम लोग को समझ भी नहीं आया कैसे खुल गया, मतलब मेरे हस्बैंड को तो कुछ समझ नहीं है, वो तो पूरा उसको रोटेट कर रहे थे। ये देखिए, अचानक से खुल गया ये, और हम लोग मतलब बहुत मज़ा आया। वो जो निकल के आता है ना, ये वाला ही सबसे ज़्यादा मज़ा आया। और लास्ट में बचा थोड़ा सा था, मतलब आधा आधी पूरा घर में एकदम छिटक के गया, लेकिन बड़ा मज़ा आया। जैसे कि आपने देखा, चैम्पियन वैम्पियन खोल के पूरे एकदम मज़ा किए सब लोग। फिर अभी सब कोई सोने के लिए चला गया अपने अपने रूम में। अभी बज गई 11, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। सो आज का ब्लॉग मैं यही पैन करती हूँ, सपोर्ट द टाइम। सो आज का ब्लॉग मैं यही पैन करती हूँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी। टाटा।